वॉल्यूम थ्री चैप्टर इश्यू एनालिसिस। ये तुम्हारे में लिखा हुआ चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियो लिखा है ना। ये चीज अगर तुम पढ़ोगी ना कॉलेज में सेम चैप्टर होगा लेकिन नाम होगा रेशियो एनालिसिस। देखो एक्चुअल में जब कॉलेज में पढ़ाते हैं इसी चैप्टर को एमबीए में पढ़ोगी अच्छा यही चैप्टर तो उसका नाम होगा रेशियो एनालिसिस। अभी तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है अकाउंटिंग रेशियो। लेकिन दोनों में लगा करना वही है ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा। अलग है बस चैप्टर का नाम अलग है बस। तो अभी से क्यों पढ़ा दे रहे हैं एमबीए में पढ़ाते पढ़ लो। अब देखो सबसे पहला तुम्हारा जो हेडिंग है वो क्या है फर्स्ट हेडिंग करंट रेशियो एंड क्रेडिट रेशियो। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले मालूम हो या राइट करेक्ट। फॉर्मूले के लिए तुम्हारा हाँ। टेबल है देखो पीछे दो पन्ने पीछे जाओ तीन पन्ने पूरा चार्ट बना हुआ महाभारत बना है ना। अब आ जाते हैं पहले करंट रेशियो ताकि मैं तुमको समझा सकूं इस फॉर्मूले को कैसे यूज। पहला है करंट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का ये फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम क्या आता है कि आपको ये पता होना चाहिए करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है। अब देखो आखिरी वाले कॉलम में लिखा है कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज लिखा inventories, है प्लस ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल और क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स इक्विवेलेंट की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है क्या लिखी ई और क्या लिखा है शॉर्ट टर्म लोन और एंड एडवांस एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स एडवांसेस प्लस अदर करंट करंट एसेट्स एसेट ये लिखा है प्लस शॉर्ट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने आइटम होते हैं ठीक। दूसरा क्या है करंट करंट लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज इसमें क्या क्या आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस ट्रेड पेबल्स ट्रेड प्लस प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन इतने आइटम आते हैं। अब ध्यान देना इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। इन्वेंटरी को ही अपन क्या बोलते हैं स्टॉक। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल में
डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, है ना। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? कैश एंड बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम। ओके, ना ऐसा ना होगी आइटम हो और तुम भूल जाओगी है क्या। बाकी अब एडवांस भी क्या आता है? अनक्रूड, ठीक। ऐसे ऐसे ही ट्रेड पेबल में क्या आएगा? जैसे ट्रेड रिसीवेबल में क्या था? डेटर, यहां हो जाएगा क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, ठीक है। ओके, ये हो गया आइटम। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं तुमको मीनिंग समझाने के लिए इतनी बड़ी महाभारत मैंने लिखी। ये हो गया किसका फॉर्मूला? करंट रेशियो। उसके आइटम कैसे निकलेंगे ये तुमने देख लिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ओके क्विक रेशियो, क्या बोलूं मैं? क्विक रेशियो, या इसी को बोलते हैं लिक्विड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी तो सेम होगी, राइट, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, इनमें क्या इन्वेंटरीज एंड, हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट, इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे इन्वेंटरी यानी स्टॉक, देखो मैंने ये काटा, यस, और प्रीपेड मतलब कहाँ लिखा है प्रीपेड, तो ये प्रीपेड भी क्या हो जाएगा? या तो ये काट दो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसा बुक में लिखा है, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है किससे, यानी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, करंट एसेट्स दी होगी सीधे और प्रीपेड दिया होगा, तो क्या कर दोगी? माइनस कर दोगी सीधे। और मान लो सारे आइटम दिए हैं तो उसको जोड़ो ही नहीं, ये क्या? चलो एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन। या तो पापा तुमको 100 रुपए अलग दें और भाई को 100 रुपए अलग दें, तो टोटल पापा का खर्चा कितना हुआ? 200 रुपया। 200 रुपये। अगर मैं ये बोलूं कि पापा ने बिटिया को कितना दिया ये निकालो, एक तरीका तो ये है कि मेरे को अलग अलग मालूम है तो सीधे बोल दूं तो प्रियांशी को उन्होंने 100 रुपया दिया, और या दूसरा तरीका ये है कि मैं ये बोलूं कि पापा ने जितना खर्चा किया है उसमें से बेटे का खर्चा माइनस करो, करेक्ट। या तो मैं ये बोलूं पापा ने जितना खर्चा किया है उसमें से बेटे का खर्चा माइनस कर दूं तो बिटिया का खर्चा आ जाएगा, यानी एक तरीका क्या है जोड़ के घटा दें, हाँ। दूसरा तरीका क्या है? जोड़े ही नहीं, जोड़े ही नहीं, है ना। तो जब अलग अलग आइटम दिए होंगे तो हम जोड़ेंगे ही नहीं, यानी ये सारे आइटम अगर अलग अलग दिए हैं और हमको क्विक एसेट्स निकालनी है तो हम उसको जोड़ेंगे ही नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर इकट्ठा आइटम दे दिया है तब क्या करेंगे? तब तो घटाना ही पड़ेगा ना, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो बड़ा मजेदार चैप्टर है, क्या निकालना है इसमें? करंट रेशियो। करंट रेशियो सॉल्यूशन नंबर वन।
करंट रेशियो निकालना है तो सबसे पहले लिखो करंट असेट का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट का फॉर्मूला करंट लायबिलिटी, करेक्ट। अब हमको क्या क्या चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज, करंट असेट्स चाहिए और दूसरा करंट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी चाहिए। अब ये जो लिस्ट दी है इस लिस्ट में से छांटना शुरू करो, चलो क्रेडिटेबल आएगा, क्रेडिटेबल आएगा करंट एसेट्स, एसेट्स में इधर सीधे लिख दो 3,60,000। हाँ अब बताओ प्रीपेड एक्सपेंस किसमें आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज, ऊपर लिस्ट में नकल मारो ना, इतनी बार नकल मारो कि जब मेन एग्जाम का टाइम आए तो नकल करने का टाइम है, अब जरूरत ही ना पड़े। करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। हाँ चलो अगला बोलो, कैश एंड कैश करंट एसेट्स। हाँ अगला बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कहाँ आएगा लैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, ये भी करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में आएगा कंफर्म। हाँ कंफर्म। कितना है 1,00,000। चलो अगला आइटम बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा, करंट एसेट्स में लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं है, फिर कोई जरूरी है, किचन में जितना सामान रखा हो सब 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 उठा के सब्जी में डाल दो, जरूरी है का है? तो उसका आइटम नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, बिल पेबल ये तो करंट लायबिलिटीज में आएगा, बिल पेबल करंट करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में आएगा। चलो बिल पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा, कितना है बिल पेबल 40,000। केटर्स भी करंट लायबिलिटीज, और बताओ डिवेंचर्स नहीं लिखेंगे, इन्वेंटरीज करंट एसेट्स में, एक्सपेंसेस पेबल ये भी खर्चा है तो एसेट्स तो हो ही नहीं सकता ना भैया, खर्चा कभी एसेट्स होगा, तुमको तुमको 2,000 रुपये किसी को देना है वो तुम्हारी एसेट्स है कि जिम्मेदारी है, नहीं लायबिलिटी है ना, 2,000 में को देना वो तो लायबिलिटी है। हाँ तो जब ये लिखा है एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस देना है, और पेबल शब्द कहाँ लिखा है बिटिया, करंट लायबिलिटीज में, ठीक है ना। हाँ चलो टोटल मारो, मैं ना करूंगा टोटल, टोटल करो एग्जाम तुमको देना है, मैं टोटल करता हूँ, करो एक सेकेंड, उठाओ कैलकुलेटर, कितना टोटल आया, अभी कर रही हूँ, 6,00,000, 8,00,000 अपॉन 4,00,000, 8,00,000 अपॉन 4,00,000, अब फॉर्मूले में रख दो, 8,00,000 अपॉन 4,00,000, अब इसको काटो, दोनों तरफ पे 4,40,000 कट जाएंगे, अब 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4, तो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ,
फिर से बताइए. ये तुम्हारा है 8 डिवाइडेड बाय 4 लाख. चार जीरो कट गए, चार पांच जीरो कट गए, पांच जीरो कट गए. फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो क्या बना? ओके, टू अपॉन टू रेशियो वन. टू अपॉन वन ना लिख करके हम लिख सकते हैं 2:1. चेक योर आंसर. राइट आंसर करेक्ट. हाँ चलिए फिर सेकंड वाले में देख के बताइए. कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल एसेट्स है ये. भी क्या निकालना है? करंट रेशियो. ठीक है, अब इसमें है पंगा. इसमें पता ही नहीं चल रहा कि करंट एसेट्स कहाँ है, करंट लायबिलिटी कहाँ है. या राइट. तो दिमाग लगाना पड़ेगा. अब तुमको मदद चाहिए बैलेंस शीट. ठीक है ना, ध्यान से समझना. बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी, ये होता है एसेट. मैं अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया मैंने. ठीक है ना, बना दे यार, नहीं तो कंफ्यूजन बना. ध्यान से समझना. यहां क्या होता है? नीचे टोटल होता है. यस. और दोनों तरफ का टोटल क्या होता है? इक्वल. ठीक है, ओके. बैलेंस शीट में यहां होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स. ठीक है, इधर होता है कैपिटल, या इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड. ठीक है, इधर होता है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होता है करेंट लायबिलिटीज. ठीक है, ऑल राइट. अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिया है. टोटल एसेट्स दिया है कितनी? 20 लाख दिए कि नहीं दी? दिए दिए. तो जो एसेट्स का टोटल है वही तो लायबिलिटी का भी रहा होगा. हाँ. यस या नो? यस. अब ये लिखा है टेंजेबल फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स. टेंजेबल एसेट्स होती है नॉन करंट. कितनी? 10 लाख. 10 लाख. शेयर होल्डर फंड चल जाएगा लायबिलिटी की तरफ. 12,08,000. 12,80,000. ठीक, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 5,20,000. 5,20,000. और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी नॉन करंट एसेट्स, इसमें दूसरा आइटम भी है, कितना है? 6 लाख. ठीक है ना, इसमें दो आइटम कुल मिलाकर के मिल गए. साफ साफ लिखा है नॉन करंट, तो अपन को यही लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. अब बताओ तुम्हारा करंट एसेट्स कितना हो? इन यहां के सारे आइटम का टोटल 20 लाख आना चाहिए, तो तुम्हारी करंट एसेट कितनी होगी? टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट आया ना? राइट. एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये कर दे तो निकल आएगा. निकल आएगा.
तीस लाख रुपए में तुमने 16 लाख रुपए माइनस कर दिए तो करंट असेट्स तुम्हारी कितनी हो गई? चलो पैसे निकाल लो, करंट लाइबिलिटी सीएल इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज माइनस क्या दिया था, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी. सीएल इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 13,518 लाख, तो कितनी हो गई? 2 लाख. यस या नो? यस. हमारा फॉर्मूला रखा तुमने और वैल्यू पुट कर दी. करंट असेट 4 लाख थी और करंट लाइबिलिटी कितनी थी? करंट लाइबिलिटी भी तुमने निकाली ना 2 लाख, तो हमारा करंट रेशियो क्या आएगा? 2:1. ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है बेटा, ये है खोदा पहाड़ निकली चुहिया. इतनी बड़ी महाभारत करी और निकला आंसर क्या? 2:1. ऐसे ही होता है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब इतना छोटा सा. अब कहां शॉर्ट फॉर्म यही है. देखो, या तो मैं ये तुमको समझाऊं, या शॉर्ट फॉर्म क्या है तुमको बोलूं, फॉर्मूला याद करो. शॉर्ट फॉर्म क्या है? लर्न द फॉर्मूला. तो कितने फॉर्मूले याद करो, बजाय इसके कि आप फॉर्मूला बनाना सीखो कि फॉर्मूला बना कैसे. इतने ही आइटम होते हैं बैलेंस शीट में, अब इन्हीं के टुकड़े होते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं ये लोग. इतनी बड़ी बैलेंस शीट दी है ना तुम्हारी बुक में पहले चैप्टर में, पूरी बैलेंस शीट इन 5 नाम में समेट जाती है. ये बस फैलते चले जाएंगे, है ना? अब चलो अगला आइटम आ जाओ, थर्ड नंबर, सॉल्यूशन नंबर थर्ड. अरे नहीं, 3, 4, 5 सब सेम ही नया है, देख लो. थर्ड में नया है. वर्किंग कैपिटल है. मैं ये करवा रहा हूं तुमको, लेकिन बिटिया याद रखना, अगर प्रैक्टिस नहीं लगाएगी घर में दोबारा, सब मटिया मेट हो जाए. क्या क्या दिया है? करंट एसेट्स दिए तुमको ना, यानी ये आइटम तो दिया है, है ना? एक आइटम तो दिया है, उस खबरी की बात ये है. अब बात रही क्या निकालना है? करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी. अब करंट लाइबिलिटी कैसे है? ध्यान से समझना, हमको दिया क्या है? वर्किंग कैपिटल दिया है ना. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ये. अब वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 6 लाख. 6 लाख. करंट असेट्स कितनी दी है? 10 लाख. और करंट असेट्स की करंट लाइबिलिटी कितनी दी है? 10 लाख. तभी तो फॉर्मूला लगा रहे हैं. अब इस फॉर्मूले को घुमाओ, करंट लाइबिलिटी इक्वल टू इस तरफ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, राइट? ओके. और यहाँ ये 10 लाख रुपए है, अब ये 6 लाख इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से बदल जाएगा. नहीं समझना, बत्ती देर से जलेगी. ये जो है इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा. और ये जो है इधर से इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. जल गई बत्ती. कितना आएगा?
आ गया। हाँ ठीक है, अब दोनों आइटम मिल गए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हाँ मिल गए। करंट एसेट्स कितनी है? 10 लाख है। ए करंट एसेट्स कंफर्म 10 लाख है। हाँ 10 लाख ही है। करंट करंट लायबिलिटी बोले तो करंट रेशियो क्या आएगा? अब काटो इसको बैठ के, तुम मैं ना काटूंगा। काटो काटो, काट रहे। थ्योरी पढ़ रही हो कि नहीं? 2.5:1 1। ठीक है, हाँ अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो। फॉर्मूला वही निकालना, वही है करंट रेशियो। तुम एक चीज गौर कर रहे हो, मैं हर क्वेश्चन के पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला पहले लिखने से फायदा क्या होता है, हमको पता चल जाता है क्या क्या चाहिए। इसे फोर्थ वाले नंबर में करंट एसेट्स नहीं दिए, करंट लायबिलिटी दिए। हाँ तो करंट एसेट्स कैसे निकलेगी? इसी फॉर्मूले से। ओके यहां भी क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी की वैल्यू लिख देंगे और करंट एसेट्स को यहां लिख देंगे। वर्किंग कैपिटल दिया है ना, यस दिया है, करंट लायबिलिटी भी दिया है ना, तो करंट एसेट्स निकल आएगा, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। ओके बनेगा? यस। अब आ जाओ, फिफ्थ वाला लगा लोगी ना फिर, फोर्थ वाला। हाँ हाँ लगा दूंगी। चलो फिफ्थ वाला देखो, थोड़ी सी ट्रिक है इसलिए बता दें। फिफ्थ वाले में दिया क्या क्या है? वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट और नॉन करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 6 लाख। और क्या दिया है? टोटल डेब्ट दिया है 27 लाख। टोटल डेब्ट कितना? 27 लाख। और क्या दिया है? नॉन करंट लायबिलिटीज 24 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। अब बोल रहा है करंट रेशियो निकालो, ये बात ध्यान से समझना। ये जो टोटल डेप्थ होता है ना, क्या कहलाता है पता है? इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल डेप्थ होता है। क्या बोला मैंने? नॉन करेंट लाइबिलिटीज पर प्लस करेंट लाइबिलिटीज को प्लस कर दो तो होता है टोटल डेब्ट। बस समझ में आई? हाँ ये ड्राइंग शीट कहाँ गई? ट्रोटी देखना, मैं जो कर रहा हूँ समझना। कहलाता है टोटल ठीक है, इन दोनों का मिक्सर क्या है? टोटल डेप्थ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, टोटल डेप्थ आपको दिया है क्वेश्चन में और नॉन करंट लायबिलिटी दी है, तो करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर इन तो उसके टोटल में से अगर इसको हटा देंगे, ये निकल आएगा ना। हाँ। अब इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा अगर मैं, कि टोटल डेप्थ इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस
करंट लायबिलिटी। क्या क्या दिया? टोटल डेट दिया 27 लाख, नॉन करंट कितना दिया? नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। और ये कितना दिया है? हाँ करंट लायबिलिटी नहीं दिया, नहीं दिया। हाँ तो 27 लाख में 24 लाख को माइनस कर दें तो करंट लायबिलिटी निकल आएगी। हाँ निकल आएगी। अब तुम बोल सकते हो कि सर आप ये इसको उधर और इसको इधर क्यों नहीं लाए, इक्वल टू के उस तरफ क्यों नहीं ले गए, इसको इधर क्यों नहीं ले गए और इसको इधर क्यों नहीं लाए? क्योंकि अगर इसको इधर ले जाते तो ये माइनस में बदल जाता ना। हाँ तो भाई माइनस में बदल के काय को माथा फोड़ी करें, फिर माइनस माइनस काटना पड़ता ना। हाँ हाँ बेटर है कि भैया हम लाइन में जाए। अच्छा ये निकल करंट करंट एसेट्स कैसे निकलेगा आप बताओ? करंट लायबिलिटी तो मिल गया, रोना आ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटी तो दी हुई थी, करंट लायबिलिटी निकाल दिए। हाँ अब वर्किंग कैपिटल दिया है उससे करंट एसेट्स निकालो। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है इज इक्वल टू करंट असेट्स हमको नहीं मालूम लेकिन करंट लायबिलिटी हमको मालूम है। देखो दोनों क्वेश्चन की खिचड़िया बन गई। यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ मिला के यहाँ दे दिया नया क्वेश्चन। करंट असेट्स कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। अब इस फॉर्मूले में रख दो। करंट एसेट्स कितनी है? 3 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख। दोनों 3-3 लाख है। हाँ इसमें आंसर 3:1 का है आ रहा है। अपना आंसर करंट रेशियो का 1:1 आ रहा है। 3:1 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हो गई? सोल्यूशन में देखते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ 5 है। ये देवी प्राण निकाल लो मेरे, ये 3 लाख रुपया माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में ना बदल जाएगा। भाई बस समझ में कहां गलती हुई थी? यस यू नो। हाँ हाँ समझ गई मैं। एक मिनट बचा है अब, यहां तक रिवाइज कर लेना, आगे लगाने की कोशिश करना।